हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनीता और स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसका नाम है फूडी यानी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बड़ा पाव की रेसिपी। बड़ा पाव महाराष्ट्र में काफ़ी पॉपुलर है, इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। बड़ा पाव बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम आलू को उबालेंगे। यहाँ पे हम एक प्रेशर कुकर लिए हैं, उसमें आलू डाल दिए, पानी डाल दिए, 3 सीटी आने तक इसे उबालेंगे। आलू यहाँ पे पक गया है, अब इसका छिलका उतार कर हम इसे मैश कर लेंगे। अब हम चलते हैं आलू मसाला बनाने के लिए। हम एक कढ़ाही लिए हैं, उसमें डालें सरसों का तेल। तेल गरम होने के बाद हम सरसों दाना डाल दिए हैं, फिर हम मिर्च और लहसुन डाल दिए हैं। उसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, फिर हम जो आलू को मैश किए थे वो डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें अदरक लहसुन धनिया मिर्च का एक चटपटा पेस्ट बनाए थे वो डाल देंगे। हल्दी डाल देंगे, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हमें मसालों को अच्छे से भूनना है। तो ये हमारा आलू मसाला बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक मसाला ठंडा हो रहा, हम यहाँ पे बेसन का एक घोल बना लेंगे, जिसमें लिए हैं बेसन, हल्दी, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च। पानी डालकर इसे अच्छे से घोल लेंगे। आप यहाँ पे बेसन का जो घोल बनाएंगे उसे पतला ना करें, उसे थोड़ी सी मोटा ही रखें, इस तरह से। फिर हम इधर आलू के बॉल्स बना लेंगे। अब ये जो आलू के बॉल्स बनाए थे उसे बेसन में डालकर गरम तेल में डाल देंगे। मीडियम हाई फ्लेम में इसे हम पकाएंगे। इसे हमें हल्का सा गोल्डन कलर आने तक पकाना है। ये फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। सारे बॉल्स को हम निकाल लेंगे। अब हम एक सूखी चटनी बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे मूंगफली और लहसुन को हम फ्राई कर लेंगे थोड़ी सी। मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे। मिर्च तो बड़ा पाव की आन बान शान होती है। यहाँ पे जो बेसन बच गई थी उसी का इसी प्रकार से हम फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये सूखी चटनी जो हम बनाएंगे उसमें डालेंगे। चलिए अब बनाते हैं सूखी चटनी। यहाँ पे हम एक जार लिए हैं, उसमें डाल दिए मूंगफली, लहसुन, ये जो बेसन का बनाए थे वो, नमक, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च,
कश्मीरी लाल मिर्च से जो है रेड कलर आएगा। थोड़ी सी हम मिर्च डाल दिए हैं जो फ्राई किए थे, इसे अच्छे से पीस लेना है। यहाँ पे सूखा मसाला बनकर तैयार है। यहाँ पे हम पाव ले लिए हैं, ग्रीन चटनी भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, उसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे हम पाव को ऐसे तोड़ लेंगे, फिर बीच से कट कर लेंगे। अब हम पाव को हल्का हल्का तलेंगे, जिसमें हम देसी घी यूज़ कर रहे हैं। दोनों साइड से पाव को हल्का हल्का तल लेंगे, आप चाहो तो बटर भी यूज़ कर सकते हो। सारे पाव को इसी प्रकार से तल लेना है। अगर आप चाहो तो बिना तले भी बना सकते हो, बट तले हुए पाव का ज़्यादा स्वाद आता है। बीच में भी हम इसे तल लेंगे अच्छे से। फिर हम पाव में सबसे पहले लगाएंगे ग्रीन चटनी, फिर सूखी वाली चटनी। दोनों साइड से हमें चटनी लगाना है, आप चाहो तो एक साइड मीठी वाली भी चटनी यूज़ कर सकते हो। फिर हम यहाँ पे बॉल्स रख देंगे, उसके ऊपर जो फ्राई किए थे मिर्च वो रख देंगे। यहाँ पे हमारा बड़ा पाव बनकर तैयार है, देख रहे हो ना कितना टेम्पटिंग लग रहा। इसी प्रकार से हम सारे बड़ा पाव बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप इस सुपर टेस्टी बड़ा पाव की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।